हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग देखिए फ्रेंड्स, कोफा जो डेट थी उसमें जो देखिए अनारक्षित के लिए जो ओपन सीटें थी वो 8 सीटें थी, और इसमें देखिए अगर कट ऑफ की बात करें अगर हम लोग तो कट ऑफ यहाँ पर जो है देखिए 88 प्लस मार्क्स हो सकता है यहाँ पर कट ऑफ इसका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई मार्क्स आए हैं लोगों के। और अगर फीमेल अनरिजर्व फीमेल जो सीटें हैं उनके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए 82 प्लस ये हो सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 80 प्लस होगा ये, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 78 प्लस ये रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी के लिए ये जो देखिए 82 प्लस हो सकता है ये, और एससी फीमेल के लिए ये जो है 76 या 76 प्लस उम्मीद कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और एसटी की बात करें तो देखिए एसटी कैटेगरी के लिए 78 प्लस पे आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो नाम लिस्ट में आए। एसटी फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 70 प्लस पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। और ओबीसी ओपन सीट के लिए अगर आप देखें तो इसके लिए आप जो है 86 प्लस पे ही आप लोग जो या इससे ज़्यादा है तभी आप लोग उम्मीद कर सकते हैं आपका नाम आ सकता है इसमें। और फीमेल की अगर हम लोग बात करें ओबीसी महिला के लिए तो इसमें भी देखिए 80 प्लस मार्क्स तो होने ही चाहिए तभी आप जो है सेफ जो है रहेंगे। अदरवाइज देखिए इसमें नंबर काफ़ी आ रहे हैं, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन में भी आपके जैसे कि 4 शिफ्टों में हुआ है तो यहाँ पर जो देखिए 4-5 नंबर या 3-4 नंबर का जो है वेरिएशन आ सकता है, तो उससे भी कट ऑफ जो है थोड़ा सा कभी आपका टॉप शिफ्ट में पेपर हुआ अगर आपके 85 है 82 है और अगर 4-5 नंबर बढ़ रहे तो जो है थोड़ा सा कट ऑफ क्लियर भी कर सकते हैं। और अगर किसी के इजी शिफ्ट में पेपर हुआ है तो उसका जो है मार्क्स कम होने की संभावना भी रहेगी। तो ये जो है देखिए ये काफ़ी मार्क्स आए हैं लोगों के, जैसा हमारी बात हुई थी तो 88, 86, 87, 81 और ये 80 के आसपास तो काफ़ी लोगों के हैं, लेकिन देखिए सीटें काफ़ी कम हैं तो कट ऑफ तो थोड़ा सा हाई ही रहेगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आपके मार्क्स कितने आए और आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगा ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।